गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स टुडे डोडे टॉपिक इज अबाउट द बायो फर्टिलाइजर्स ठीक है बायो फर्टिलाइजर हम क्या बोल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल किस के लिए सॉइल के न्यूट्रिएंट्स एनरिचमेंट के लिए ठीक है ना बायो फर्टिलाइजर इज दैट सबस्टेंस व्हिच कंटेन्स द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन अप्लाई टू द सीड प्लांट सरफेसिस और सॉइल दे प्रमोट द ग्रोथ by इंक्रीजिंग द सप्लाई अवेलेबिलिटी ऑफ प्राइम न्यूट्रेंट्स टू द होस्ट प्लान ठीक है ये क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये ही nutrients जो हैं ये प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं कुछ बैक्टीरिया हैं सैनोबैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं ऐसे फंगस भी प्रेजेंट होते हैं जिनका काम क्या होता है न्यूट्रिएंट्स को मिनरल्स को प्रोवाइड करना टू द होस्ट प्लांट ठीक है बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं दे ऐड द न्यूट्रिएंट्स, नेचुरल प्रोसेस लाइक द नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं सर्बलाइज फास्फोरस को करते हैं या प्लांट की ग्रोथ को वो करते हैं किसके थ्रू थ्रू सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सबस्टेंसेस ये सारा काम कौन करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं चाहे वो बैक्टीरिया हो साइनोबैक्टीरिया हो फंगस हो ठीक है बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं वॉट इज़ बायो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर्स आर द नेचुरल फर्टिलाइजर्स दैट आर द माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स ऑफ बैक्टीरिया अलगी या फंजे या सेपरेट ये काम करेंगे या ये कॉम्बिनेशन में काम करते हैं ये नेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं जो क्या काम करते हैं माइक्रोब्स जो हैं चाहे वो बैक्टीरिया हो अलगे हो फंजे हो वो अपना काम किस में दिखाते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन में मीन Soil की फर्टेलिटी को एनरिच करने में इनका काम होता है ठीक है ये सारा काम किस लिए होता है फॉर द बेनिफिट ऑफ प्लांट्स ठीक है ये क्या करते हैं ये सॉइल के सॉइल को बनाते हैं सॉइल की हेल्थ इंक्रीज करते हैं ठीक है ना सॉइल की हेल्थ बनाते हैं ताकि हमारा जो क्रॉप हो वो अच्छा बनता है ठीक है बायो फर्टिलाइजर्स में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी आते हैं जैसे मैनर वगैरह है हाँ बायो फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं फॉर इंप्रूविंग द सॉयल फर्टिलिटी इन ऑर्गेनिक फार्मिंग बायो फर्टिलाइजर्स डिफरेंट हम यूज कर सकते हैं बैक्टीरिया यूज कर सकते हैं फंगस यूज कर सकते हैं अलगी यूज़ कर सकते हैं एक्वेटिक फर्म्स हम यूज़ करते हैं और अर्थ वर्म्स भी होते हैं जो हमारे सॉयल में हैं वो भी एक्ट करते हैं एज बायो फर्टिलाइज़र्स इसमें हम रइज़ोबियम यूज़ कर सकते हैं एजोटोबैक्टर यूज़ कर सकते हैं एजोस्पायरोलम यूज़ कर सकते हैं एजोला साइनोबैक्टीरिया या वैम माइक्रोइर वगैरह जो फंगस है वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है बैक्टीरिया जैसे हम सिम्बियाटिक नाइट्रोजन फिक्सर यूज़ कर सकते हैं राइजोबियम एजोस्पायरल हम ये यूज़ कर सकते हैं या फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर जिसमें एजोटोबैक्टर या क्लेप्सीला आता है ऐसे अलगल बायो फर्टिलाइजर्स भी हम एनाबीना नॉस्टॉक याट्रे यूज कर सकते हैं ऐसे ही फॉस्फेट सॉलिबलाइजिंग बैक्टीरिया है जैसे सीडोमोनास है यह बेसिन मेगाटेरियम है यह हम वैम का इस्तेमाल कर सकते हैं ये अर्थ का अर्थ फॉर्म का हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये सब क्या है ये एक्ट करते हैं एज बायो फर्टिलाइजर्स सिम्बियाटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स में क्या आता है जैसे राइजोबियम और एजोस्पायरम है राइजोबियम कहाँ रहता है ये रूट नडल्स में रहता है ठीक है रूट हेयर जो है वो बनाते हैं कुछ नोड्यूलेटेड स्ट्रक्चर्स ये देखिए जिनको हम क्या बोलते हैं रूट नोड्यूल्स बोलते हैं प्लांट के जो रूट होते हैं ये एसेंशियल मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं किसको बैक्टीरिया को राइजोबियम जो है इसको पहली बाल फ्रैंक ने इस्टेब्लिश किया था एटीन हंड्रेड एटी नाइन में ठीक है यह हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन की फिक्सेशन के लिए हम हम बी से भी ज़्यादा किसके ग्रुप राइज़ोबियम के, के इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है ये क्या करते हैं एक स्लो ग्रोइंग राइजोबिया होता है जिसको हम ब्रेडी राइजोबिया बोलते हैं और दूसरा एक फास्ट ग्रोइंग राइजोबिया होता है जिसको हम राइजोबिया बोलते हैं ठीक है राइजोबिया जो होता है ये क्या फ़िक्स कर सकता है पचास से तीन सौ किलो पर हेक्टेयर में ये क्या कर सकता है ये हेल्प कर सकता है किस में फिक्सेशन ठीक है ऐसे ही हम एक और इस्तेमाल करते हैं एक फर्टिलाइजर जिसको हम एजो स्पायरल हम बोलते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होता है ये सीरियल प्लांट्स में प्रेजेंट होता है ये रूट में भी रहता है उस रूट के आसपास भी रहता है ये किसके साथ सेम्बेटिक रिलेशन ये बनाता है सीरियल प्लांट के साथ सेम्बियोटिक एसोसिएशन बनाता है और नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है ठीक है ये एक डोमिनेंट सॉइल माइक्रोब होता है और ये नाइट्रोजन कितना फिक्स करता है ट्वेंटी से फोर्टी किलो ग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है जैसे मिलर्स वगैरह है या क्या बोलते हैं इसको सीरियल्स वग़ैरह है या कॉटन में हाँ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र जो है इसकी क्वांटिटी इसमें बे पच्चीस से तीस परसेंट होती है ठीक है हाँ फिर हम ये सारे स्पीशीज एजो स्पायरल वगैरह किसके लिए इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं ये फर्टिलाइज़र एक्ट करते हैं ऐसे फ्री लिविंग बैक्टीरिया है बहुत सारे फ्री लिविंग बैक्टीरिया है या नॉन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया है जो नूडुल्स नहीं बनाते हैं मगर ये एसोसिएशन बनाते है. हैं कहाँ पे सॉइल में जो फ्री लिविंग बैक्टीरिया जैसे हम एजोटोबैक्टर का इस्तेमाल करते हैं ये क्लेपसिला का इस्तेमाल करते हैं ये प्लांट के साथ एसोसिएट नहीं होता है एजोटोबैक्टर तो एक्ट करता है एज बायो फर्टिलाइजर ये उसको प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन जो भी प्लांट को चाहिए होता है ठीक है कहाँ से प्रोवाइड करता है सॉइल से एजोटोबैक्टर जो होता है ये हेटेरोट्रॉपिक फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है ये न्यूट्रल सॉइल में अल्कलाइन सॉइल में प्रेजेंट होता है ठीक है ये एक तो ये क्या काम करता है ये फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन सॉइल में ये ग्रोथ प्रोमोटिंग सबस्टेंस भी बनाता है कौन एजोटोबैक्टर जैसे ऑक्सीजन और डिबलेंस जो हैं वो एजोटोबैक्टर बनाता है और ये विटामिन्स भी बनाता है जो कि प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है ठीक है ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रेन एजोटोबैक्टर के हैं उसमें फंगसीटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ठीक है ऐसे एजोटोबैक्टर जो है वो किस में देखा जाता है राइस में मेज़ में कॉटन में शुगर कैन वेजिटेबल्स में इन सब में देखा जाता है एजोटोबैक्टर सीड जर्मिनेशन में इम्प्रूव करता है और प्लांट की ग्रोथ भी करवाता है ये एजोटोबैक्टर जो होता है ये हैवियस्ट ब्रीदिंग ऑर्गेनिज़म है उसको ज़्यादा क्या चाहिए होता है कार्बन चाहिए होता है किसके लिए ग्रोथ के लिए किसको एजोटोब अगर एजोटोबैक्टर कहीं पे आपको आएगा कोई लिविंग और, वो कौन सा लिविंग ऑर्गेनिजम जो हैवी ब्रीदिंग जिसमें होती है जिसको ज़्यादा ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए होता है ग्रोथ के लिए वो है कौन सा एजोटोबैक्टर है ठीक है ऐसे एक और बायो फर्टिलाइज़र है जिसको हम वैम बोलते हैं है, वैम मतलब वेसिक्यूलर और वेस्क्यूलर माइक्रोराइजर माइक ये माइक्रोराइजर जो है ये ग्रीक लैंग्वेज से इस्तेमाल किया है फंगस रूट इसका मतलब है इसको फ्रैंक ने दिया था 1885 में माइक्रोराइजा क्या है ये म्यूचुअल एसोसिएशन होती है फंगस और प्लांट के बीच में रूट प्लांट के रूट और फंगस के बीच में जो एसोसिएशन है उसको हम माइक्रोराइजा बोलते हैं ये जो वैम होता है ये कहाँ रहता है ये अंदर रहता है ठीक है कहाँ पे अंदर रहता है ये फंगस जो है ये रूट प्लांट रूट्स के अंदर रहता है ये वहाँ से क्या करता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करता है जैसे फॉस्फोर्स है जिंक है या सल्फर को ये ट्रांसफ़र करता है कौन वैम माइक्रोराइजा जो यही वैम जो है ये सिम्बियोटिक एसोसिएशन होती है रूट प्लांट के रूट और सॉइल के फंगस के बीच में ठीक है वैम जो है इसका इंपॉर्टेंट ये क्या करता है ये प्लांट ग्रोथ में हेल्प करता है ठीक है ये मॉइस्चर को रिटेन करता है कहाँ पे रूट के आसपास और ये रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है किन को सॉइल बॉर्न पैथोजेंस में है या रूट बॉन्ड पैथोजेंस के खिलाफ या निमेटोर्स के खिलाफ ये रूट को बचाता है किससे पैथोजेंस से बचाता है कौन माइकोराइजा और ये हेल्प करता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को मोबाइल इधर उधर पास करने में जैसे कॉपर है पोटाशियम है अलमोनियम है मैग्नीज है आयरन है या मैग्नीशियम है ये सारा सॉयल से ये चीज़ें देता है किसको प्लांट के रूट्स को देता है इनमें वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं वेसिकल में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये देखिए यहाँ पे वेसिकल्स हैं माइकुराइजर में जो न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करके रखता है और इसमें अर्बसकल्स प्रेजेंट होता है ये आर्बस्कल्स हैं आर्बस्कल्स का काम क्या होता है ये रोड सिस्टम के अंदर तक इसको भेजता है और वहाँ पे ये इनको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है कौन वैम ये वैम जो है ये वैम जाता है कहाँ पे ये एर्बस्केल्स रूट के अंदर तक जाते हैं और वहाँ पे ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं कॉपर है एलमोनियम है पोटेशियम है मैग्नीज़ है, है आयरन है ये सब वहाँ पे जाकर उसको प्रोवाइड करता है ठीक है अलगा अलगी जो है ये भी बायोफर्टिलाइज़र एक्ट करता है हाँ अलगी में जैसे हम साइनोबैक्टीरिया है ये ब्लू ग्रीन अलगी हैं ये क्या करते हैं वो सौ से ज़्यादा स्पीशीज़ हैं ब्लू ग्रीन अलगी जो नाइट्रोजन को फिक्स करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होती है वो स्पेशलाइज सेल में होती है जिनको हम हटीरियोसिस्ट बोलते हैं ब्लू ग्रीन अलगी जो होते हैं ये राइस फील्ड में प्रेजेंट होते हैं हाँ एजोटोबैक्टर कुछ उनकी तरह ये नहीं होते हैं ये ये इनहिबिट नहीं होती है इनकी ग्रोथ या भी कोई केमिकल फर्टिलाइज़र होगा ये क्या होता है ये इनहिबिट नहीं होता है यहाँ पे कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया जाता है हाँ अगर हम एलगी डालेंगे क्रॉप में इनोकुलेट करेंगे तो वहाँ पे टेन से फोटीन परसेंट जो होता है इंक्रीज होती है क्रॉप फील्ड की यहाँ पे फिर दूसरे केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एल्गी को इनोकुलेट करोगे कहाँ पे क्रॉप फील्ड में और इंक्रीज कितनी होगी परसेंटेज टेन से 14 परसेंट इंक्रीज होती है ये इज़िली प्रोड्यूस होते हैं ये हाँ ये मास में प्रेजेंट एक सिंगल नहीं होते अलगी का ग्रुप प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर में भी होते हैं ये सीमेंट टैंक्स में भी होते हैं ये एक चीप तरीका है और इसकी कॉस्ट जो होती है दस किलो की वो थर्टी से ओनली फोर्टी रुपीज़ होती है ये बहुत सारे क्रॉप्स में बेनिफिशियल भी होते हैं जैसे वेजिटेबल है कॉटन है ये शुगर कैन है अलगी फर्टिलाइज़र बहुत सारे हैं जैसे एनाबीना हम नॉस्टॉक है यासीटर या ये हम सब इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है एजोला भी है ये भी काम करता है एज बायो फर्टिलाइज़र एजोला जो है ये एक फर्न है एक टिनी फ्रेश वाटर फर्न है जो पाउंड है डिच है या राइस फील्ड में पाया जाता है जैसे आप इस पिक्चर में को नज़र आ रहा होगा ये क्या है ये एजोला है ये क्या है ये टिनी फ्रेश वाटर फर्न है ठीक है ये बायो फर्टिलाइजर हम यूज़ करते हैं कहाँ पे एजोला का काम करते हैं राइस में हम इनका काम करते हैं बहुत सारी कंट्रीज में हम एजोला बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं राइस फील्ड में जैसे इंडिया थाईलैंड कोरिया फिलीपींस इन सब जगह पे हम एजोला एज बायो फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग वर्क जो होती है किसकी हाँ ये एजोला जो होता है यहाँ पे एनाबीना और एजोला का क्या होता है सिम्बियोटिक एसोसिएशन होता है अच्छा एक तो ये नाइट्रोजन और ये आ, एजोला क्या करता है नाइट्रोजन के अलावा ये वहाँ पोटेशियम और क्या बोलते हैं इसको फॉसफोर्स जिंक आयरन ये सारा प्रोवाइड करता है किसको क्रॉप को एजोला जो होता है इसका बायोमास डबल हो जाता है फाइव से सेवन डेज में और ये फिक्स करता है फोटी से एट्टी के नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर कौन एजोला हाँ ये एक अच्छा मैनवर होता है किसके लिए ज़्यादा राइस उपटेन करने के लिए प्रॉप यील्ड इसकी वजह से फिफ्टीन से ट्वेंटी परसेंट देखी गई है ठीक है अगर हम राइस को फर्टिलाइज़ करेंगे किसके साथ एजोला के साथ इसके अगर एजो हम हाइब्रिड्स लेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो करते हैं और हीट टॉलरेंट होता है कोल्ड टॉलरेंट होता है और ये फोर से फाइव परसेंट फिक्स करता है ज़्यादा नाइट्रोजन ठीक है एडवांटेज क्या है बायो बायोफर्टिलाइजर्स के क्रॉप ये इंक्रीज करेंगे फिफ्टीन से थर्टी फाइव परसेंट ये सेमी कंडीशंस में भी इफेक्टिव रहते हैं ये हेम ईजिली इंट्रोड्यूस करते हैं ठीक है और सॉइल टेक्सचर जो होता है उसको भी इम्प्रूव करता है ये और इसमें एंटी माइक्रोबल सिक्रीशनस होते हैं ये क्या करते हैं ये पैथोजेंस को बी मारते हैं और विटामिन बी ये प्रोड्यूस करते हैं कौन फर्टिलाइज़र और तो जिसमें ग्रोथ प्रमोटिंग बायोकेमिकल्स भी ऊपर प्रोड्यूस होते हैं जैसे ऑक्सीजन एस्कॉर्बिक एसिड है ये चीप होते, है, होते है, ये है, हैं इकनॉमिकल होते हैं ये एक्सक्रीट करते हैं क्या एंटीबायोटिक्स ये बायोपेस्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं ये पोलूशन फ्री होते हैं ये एटमॉस्फेरिक पोलूशन नहीं काज करते हैं ठीक है कौन बायो फर्टिलाइजर्स आप क्या याद रखोगे बायो फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं बायो फर्टिलाइज़र्स वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं वो नेचुरल फर्टिलाइज़र्स हैं जिनमें हम माइक्रोब्स का यूज़ करते हैं चाहे वो बैक्टीरिया हो फंगस हो अलगी हो ठीक है या सेपरेटली यूज़ करेंगे या कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं ठीक है ये सॉइल ग्रोथ ये सॉइल हेल्थ मेंटेन रखते हैं ये इम्प्रूव करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को ठीक है ना फिर ये डिफरेंट होते हैं हम इसमें क्या क्या यूज़ कर सकते हैं अलगी फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं माइक्रोवर uh, हम इस्तेमाल कर सकते हैं एजोटोबैक्टर का हम इस्तेमाल कर सकते हैं एरोजोबियम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके लिए क्रॉप यील्ड को इन्हांस करने के लिए ठीक है ना डिफरेंट अलगी फंगस या बैक्टीरिया हम एजो स्पायरानियम यूज़ करते हैं फ्री लिविंग बैक्टीरिया हम यूज़ करते हैं ठीक है ना इनके डिफ़रेंट स्टेंस का डिफरेंट माइक्राइजर भी को हम इस्तेमाल करते हैं अलगी का हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना ये सब क्या एक्ट करते हैं फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करते हैं ठीक है ना एजोला का हम इस्तेमाल करते हैं ठीक है ये या आप याद रखेंगे थैंक यू